तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 9 फोटो रेडी करके रख देने हैं। 9 में से जो एक फोटो आपके खुद की, आप कोई भी एक रैंडम फोटो सिलेक्ट कर सकते हो और बाकी के बचे हुए जो 8 फोटो, उसमें आप आपकी जो भी फेवरेट चीज़ होगी, मतलब उसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ खाने की चीज़ हो सकती है या फिर कोई एक्टर हो सकता है, कोई कार हो सकती है, तो ऐसी चीज़ों की आपको 8 फोटो यहाँ पर रेडी करके रख देने हैं और 8 ऐसी चीज़ों की फ़ोटो और एक आपका खुद का फोटो यहाँ पर रेडी करके रख देने हैं। तो ऐसे आपको टोटल 9 फोटो रेडी करके रख देने। इसके बाद आपको प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एड्स आ सकती है, इनको आपको स्किप कर देना है। एड्स को स्किप करने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आप देख सकते हो एक सेटिंग का आइकॉन आपको दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ एक प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आपको आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट फोटो ड्यूरेशन ट्रांजिशन का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अभी आप देख सकते हो 1.89 सेकंड लिखा हुआ है। तो इसे आपको 0.14 सेकंड या 0.15 सेकंड आप कोई कुछ भी यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हो, 13 आ जाएगा तो भी चल जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर 0.13 सेकंड कर देना है। 13, 14 या 15 आप कोई भी यहाँ पर तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक बैकवर्ड एरो दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक बैकवर्ड एरो आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। तो इसके बाद स्क्रीन के नीचे आपको एक नीचे प्लस का आइकॉन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्क्रीन के ऊपर आपको एक फोटो का ऑप्शन दिखेगा, फोटो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर आपको एक कॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको आपके मोबाइल पे जितने भी फोल्डर है वो सारे फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें से जिस भी फोल्डर में आपने वो सारे फोटोज रखे होंगे उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करना है और सबसे पहले आपको खुद की एक फ़ोटो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आप जैसे मैंने बताया था जो भी आपका फेवरेट टॉपिक रहेगा उसका 8 फोटोज यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके ले लेनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको टोटल 9 फोटो सिलेक्ट कर लेनी है। टोटल 9 फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे आपको एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से सारे फोटोज़ यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो एक लास्ट में आपको एक ब्लैक कलर का स्क्रीन दिखेगा, इसे आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग पर आना है। अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर सेंटर में आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक 9:16 का फ्रेम रेशो दिखेगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। ऊपर जो 9:16 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपका जो फर्स्ट फोटो रहेगा तो फर्स्ट फोटो का नीचे आपको बार दिखाई देंगे हर एक फोटो के। तो आपको करना कि आप जैसे कोई भी फोटो को जूम कर सकते हो उसे दो उंगलियों की मदद से यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसे जूम करके ले लेना है ताकि आपको एडिट करने के लिए थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट फोटो रहेगा तो फर्स्ट फोटो के बार को सिलेक्ट करना है। उस फर्स्ट फोटो का जो ड्यूरेशन है वो आपको थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पर आना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो एक टैप टू ऐड म्यूजिक का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। म्यूजिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी जो ट्रेंड है इसके लिए बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, तो बैकग्राउंड ऑडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके आपको इस जो बैकग्राउंड ऑडियो है इसे डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर आके इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ऑडियो के सामने आपको एक चूज का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाएंगे। वॉल्यूम का ऑप्शन आपको 100 करना है, फेड इन फेड आउट आपको 0 रखना है। इसके बाद नीचे एक म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और अभी यहाँ पर आपको एक बीट ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर जो बीट है वो है 5.82 पे। तो आपको करना कि आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ 0.00 से लिखा हुआ है, तो आपको इस ऑडियो के बार को आगे करना है और यहाँ पर 5.82 आने पर आपको रुक जाना है। तो अभी आप देख सकते हो इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पर 5.82 आ चुका है। तो इसके बाद आपको करना कि स्क्रीन के सेंटर में आपको एक रेड कलर का सर्कल दिखेगा जिसके अंदर एक फ्लैग का आइकॉन बना हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर से एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हो जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ऑडियो का बार है, तो ऑडियो का बार में आपको एक छोटी सी यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन शो हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपका जो फर्स्ट फोटो रहेगा तो फर्स्ट फोटो का ड्यूरेशन आपको उस लाइन तक ड्रैग करके ले लेना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फोटो के बार को सिलेक्ट करना है, इसके बाद इसे ड्रैग करना है और ऑडियो के बार में जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन यहाँ पर आपको शो रहे उस पॉइंट तक इसे ड्रैग करके ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर आना और जो लास्ट यहाँ पर फोटो रहेगा इस लास्ट फोटो के बार को सिलेक्ट करना है, इसका भी ड्यूरेशन बढ़ा देना है। और अभी आपको देखना है कि ऑडियो का बार जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है उस पॉइंट तक लास्ट वाले फोटो का ड्यूरेशन आपको इस तरीके से रख देना है। इसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं टैप टू ऐड सबटाइटल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो एक टैप टू ऐड स्टिकर PIP का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। वीडियो फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर आपको एक ओवरले ऐड करना है, तो ओवरले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ, ये वाला ओवरले आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो ये वाला जो ओवरले आपको रेडीमेड मैंने यहाँ पर आपको बना के रख दिया, तो ये वाला ओवरले भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आके आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर का
रेक्टेंगल आ जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, स्क्रीन के यहाँ पर बहुत सारे नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक फिल का ऑप्शन आ जाएगा, फिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अभी आपको एक स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा, स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे एक सिंगल टिक मार के उसके ऊपर क्लिक कर देना है। बस इतना हो जाने के बाद अगर आप वीडियो के स्टार्टिंग पर आओगे, यहाँ पर आप अगर वीडियो यहाँ पर प्ले करके देख लोगे तो यहाँ पर आपका जो ट्रेंडिंग रील है वो रेडी हो जाएगा विद जो यहाँ पर लिरिक्स है, वो लिरिक्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है वो यहाँ पर आपका रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस रील को अगर आपको अपने मोबाइल के गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो बनाया हुआ वीडियो आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगा। लास्ट में आपको नीचे एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज अ रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पे अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।